देखो, पिवोट टेबल बनाना बहुत आसान होता है। कैसे बनेगा? देखो, पिवोट टेबल ये हमारा डेटा है, अब इस पे पिवोट लगाना है। अब ये तो 10 ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंटर किए गए हैं, इस पे पिवोट लगाना है। तो पिवोट लगाना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी शीटें मौजूद है उनको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसको डिलीट, हम डिलीट ही कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर देंगे, सबको डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, फिर इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब कुल मिला के एक ही शीट है हमारे पास, शीट नंबर 5, यही है। अब हमको यहाँ पे पिवोट लगाना है, तो करेंगे क्या, सीधा इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पिवोट पे जाएंगे और ये दिया हुआ है फ्रॉम टेबल रेंज। तो ये टेबल रेंज से हम सेलेक्ट करेंगे, तो टेबल रेंज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये सेलेक्टेड आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये सेलेक्टेड आएगा तो यहाँ से ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये इस तरीके का डेटा शीट नंबर 6 पे इंसर्ट हो जाएगा। 5 तो पहले से था, 6 पे आ गया ऑटोमेटिक। यहां से क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं और टोटल ले लेते हैं, दो चीजें ले लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट देखो ये इसमें आ गया है, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट आईडी को उठा करके इसमें रख देंगे, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल अरेंज वे में आपको दिखने लगेगा। देखिए, टोटल भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है।